आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है स्टूडेंट, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेके। जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जो हमारा, इसको हम तीन पार्ट में स्टूडेंट डिवाइड करते हैं, जिससे कि हम इसके सारे एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करें, सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को यहाँ पे थोरली गहराई के साथ कवर करें, और एग्जामिनेशन के पहले स्टूडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करें और एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे पाए। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ज्योग्राफी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये आजकल आपको बताना चाहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनका कंसंट्रेशन लगातार एटमोसफेयर में बढ़ रहा है, इसलिए आजकल इस पर्टिकुलर सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें ये यूनिट्स को हम कवर करते हैं, जैसे स्टूडेंट इधर आप फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट दैट इज फाउंड ओवर प्लेनेट अर्थ। क्लाइमेट को बनाने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बारे में स्टूडेंट हम लोग स्टडी करते हैं, इसी तरीके से जो इंसुलेशन एंड हीट बजट है उसको हम लोग देखते हैं, इसके अलावा स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अलग अलग कंपोनेंट के बारे में। यही स्टूडेंट हमारी दूसरी यूनिट है जिसको जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, इनके बारे में, एक्चुअली जो टोपोग्राफी पृथ्वी में मिलती है इसके बनने के पीछे क्या कारण है। यही स्टूडेंट जो ओशिनोलॉजी है, इसमें हम जो वाटर हमको मिलता है ओशन में उसके बारे में, एक्चुअली नापते कैसे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, क्या क्या एक्चुअली हमको मिलता है ओशनिक वाटर में। यहाँ पे स्टूडेंट जो कॉस्मोलॉजी है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में, अपने यूनिवर्स के बारे में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और इसके अलावा स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट मिशन है नासा का, नासा के अलावा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो है, इसके जो इंपॉर्टेंट मिशन है उनको बहुत ही गहराई के साथ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टूडेंट इसको करंट अफेयर से रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली जो करंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हिसाब से ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी ह्यूमन रेस या स्पीसीज जो न्यूज में रही है उसके बारे में स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो क्लाइमेटोलॉजी जो पहली यूनिट है, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पढ़े जाते हैं। क्लाइमेटोलॉजी फर्स्ट यूनिट के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट जिनको हम पढ़ते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को तीन सेगमेंट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले तो इसका ओरिजिन देखते हैं कि कैसे हमारा एटमॉस्फेयर बना। एक्चुअली शुरुआत में अर्थ हमारे एटमॉस्फेयर सपोर्ट करने लायक नहीं थी, लेकिन फिर कैसे बना। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग कंपोजिशन देखते हैं कि कौन कौन सी गैसें हमको मिलती है एटमॉस्फेयर में, और फिर हम लोग लेयर्स देखते हैं एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज इंसुलेशन एंड हीट बजट, इसमें स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर कैसे तापमान का विभाजन होता है, कैसे एक्चुअली हीट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस तरीके से पृथ्वी अपने टेम्परेचर को बैलेंस करती है।